तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जय महाकाल। मैं हूँ शास्त्री जी दीपेन भाई रावल, ज्योतिषाचार्य वासु शास्त्री, OTT इंडिया भक्ति में आपका स्वागत है। आज की जो तारीख है 22 फरवरी 2022, यानी कि आज के दिन का जो अंक है वो 2 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2 2, यानी कि 10 अंक का जो है आज का दिन है। और ये अंक आपके और आपके परिवार के लिए, आपके स्वजनों के लिए ये शुभ दिन है, यानी कि ये 100 साल में एक दिन आता है ऐसा, ये आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। तो आज का जो वार है वो भी मंगलवार है, यानी कि माँ शेरावाली का भी है, हनुमान जी का भी है, गणेश जी का भी है, यानी कि दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तो आज अच्छे कार्य करने से आपको अच्छे लाभ मिलने की उस बातों को लेकर मैं आया हूँ। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए दिन शुभ बने और अच्छे उपाय से आपकी सभी परेशानियां दूर हो, उसके लिए हम उपाय करेंगे। मेष राशि जिनके अक्षर है अलाई, उनके सभी महाराज मंगल महाराज है। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन आप अगर कार्य के लिए ज़्यादा गंभीर है, आपके कार्य में जॉब, बिजनेस, ऑफिस, फैक्ट्री सभी क्षेत्रों में अगर अच्छे लाभ लाना चाह रहे हैं तो समय के साथ काम कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले। अगर आप समय से पहले कार्य को पूर्ण कर रहे हैं या फिर समय के बाद कार्य को पूर्ण कर रहे हैं तो आपको मानसिक अशांतियाँ बढ़ सकती है, क्योंकि आपको थोड़ी सी हानियाँ हो सकती है। आज के दिन आपके कलात्मक कार्यों को लेकर आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि आपके आपके परिवार में आपको बच्चों को लेकर जो भी चिंता है वो आज दूर होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले। आज के दिन माँ शेरावाली आप पर प्रसन्न रहे, उसके लिए एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आप दिन की अगर अच्छी शुरुआत कर रहे हैं तो छोटी जो बच्चियाँ है, जो लड़की है, जो देवी स्वरूप कहते हैं, उनके अगर आप पूजा करेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे तो अच्छे लाभ की प्राप्ति आज मिलने वाली है, दिन आपके लिए शुभ बनेगा। वृषभ राशि जिनके अक्षर है बहु, उनके स्वामी महाराज शुक्र महाराज है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके व्यापारिक कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। आज के दिन कुछ नवीन कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ अच्छे मिले, कार्य के नई शुरुआत करेंगे, नई योजनाएं बनेंगे, नए नियमों का आज निर्माण करेंगे जिससे आपको अच्छे लाभ मिले और आपके जो छोटे बड़े एम्प्लॉय हैं उन सभी को, सहायक जो है उन सभी को अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले। आज के दिन आपके निर्णयों में बहुत ही अच्छे सुधार आने वाले हैं, यानी कि बहुत समय से अगर निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको निराशा आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपको असफलता मिल रही है, तो आप कुछ सीखेंगे कि उससे आपको क्या आगे करना है और उस सभी बातों को आप परिवर्तन लाओगे और उसके बाद अच्छे निर्णय लेंगे तो उसी के बाद आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति मिलने वाली है। परिवार में आज सुख शांति बनी रहेगी, संतान को लेकर सुख शांति बनी रहेगी, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आज आपके पर्सनल लाइफ, निजी लाइफ में बहुत ही अच्छी बात आपको देखने मिलेगी। आप सभी का जो मन है वो एक बनेगा। अगर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको नई बातें, नए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, यानी आपके कार्यों को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके आसपास में, आपके समाज में, मान सम्मान में, ये आपके कार्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा तो अच्छी होगी और उसके कारण आपके जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ बातें हैं। आज के दिन माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए खास एक चीज़ करना है। अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके माता पिता को चरणों को छूकर बाहर निकलेगा, दिन आपके लिए शुभ रहेगा और माँ शेरावाली आप पर प्रसन्न रहेगी। अब हम जानेंगे मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो अक्षर है वो क, छ और ज्ञ, उनके स्वामी महाराज बुध महाराज है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपके भावनाओं को आप कंट्रोल रखना है, आपके स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप बहुत ही भावुक हैं, इसलिए किसी की बातों को लेकर आपको मन में नहीं लेना है और गुस्से को कंट्रोल में लाना है, जिससे दिन आपके लिए शुभ बन सकता है। आज आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तनाव आपको महसूस हो सकती है। आपके विचारों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
या फिर वो आपके सामने आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसको प्रेम से, अच्छी बातों से उनको समझाइए। या फिर अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपके कार्य को थोड़ा सा बदलाव लाइए लाइए और आपके पार्टनर का जो मन है वो प्रसन्न रखिए, जिससे दिन आपके लिए शुभ बन सकता है। परिवार को लेकर सभी चिंताएं दूर हो सकती है। संतान के रिगार्डिंग जो भी चिंता है वो आज दूर हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में व्यवसाय, बिजनेस, ऑफिस, फैक्ट्री, छोटे बड़े जो भी कार्य है, उस सभी कार्यों में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मान सम्मान में आज के दिन बढ़ोतरी हो सकती है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए आप गाय का घी का दिया कीजिएगा, जिससे उनको अच्छे उनसे अच्छे लाभ की आपको प्राप्ति मिले, दिन आपके लिए शुभ बने। कर्क राशि जिनके अक्षर है ड और ह, उनके स्वयं महाराज चंद्र महाराज है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन खाने पीने के चीज़ों में आपको नियंत्रण रखने हैं। हाँ जी मित्रों, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर परिवार को लेकर घूमने जा रहे हैं तो घर से बना हुआ जो भी खाना है वो आपके लिए हेल्दी रहेगा, लेकिन बाहर का खाना आपके लिए, बाहर का जो फूड है, जंक फूड है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए खाने पीने के चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी है। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव लाने होगी, जिससे आपके धन खर्च, आपके व्यवसाय में अच्छे लाभ मिले और धन खर्च में आपको सावधानियां रखेंगे तो धन की भी बचत होगी। मैंने दो चीज़ बताई आपको कि आपको आपके कार्य में अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले उसके लिए अच्छे बदलाव लाने हैं और धन खर्च कम करने हैं, जिससे धन की भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ आपके मानसिक चिंताएं आज दूर होगी, आपको सभी प्रकार की मानसिक शांतियां आज के दिन प्राप्ति हो सकती है, दिन आपके लिए शुभ बन सकता है। आज के दिन शुभ बने आपके बच्चों को लेकर, आपके परिवार को लेकर अच्छी बातें हो, अच्छी शुरुआत हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें आपको करनी है, अच्छे विचार आपके घर में लाने हैं। इसी के कारण आपको अच्छे सोच भी आएंगे और आपके कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, दिन आपके लिए शुभ। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में, ऑफिस, बिजनेस, व्यवसाय क्षेत्र में, फैक्ट्री में, छोटे बड़े सभी कार्यों में आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, अच्छे मौके मिलने वाले हैं और उस मौके को आप बार बार अगर आप छोड़ देंगे तो आपको हानि हो सकती है, धन हानि या व्यापार में हानि हो सकती है। इसीलिए अच्छे लाभ को आप प्राप्त कीजिएगा, ध्यान से समय को देखकर उस कार्य का वस्तुओं को, कार्य चीज़ को, आपके कार्य पद्धति को बदलाव लाइएगा, जिससे अच्छे लाभ मिले। और अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑफिस में, बिजनेस, फैक्ट्री में, सभी कार्य में अगर आप बहुत ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अच्छी उम्दा लाभ अगर आपको कहीं से मिलने वाले, कोई हेल्प करने वाले तो वो हेल्प आप अवश्य लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले। आप आज के दिन आपको अपने क्रोध पर संयम लाना है और विवेक से कार्य को प्राप्त करना है, यानी कि आपके वाणी में मधुरता लानी है, क्रोध को कम करना है, अच्छे स्वभाव से दिन की अच्छी शुरुआत करनी है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोचे समझे बगैर कोई कार्य को करना नहीं है, निर्णय भी लेना नहीं, जिससे आपको मानसिक चिंताएं बढ़े और आपको असफलता की प्राप्ति हो। इसीलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सोच कर सूझबूझ से निर्णय लेना है और अच्छे कार्य को प्रारंभ करना है। यह करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। संतान के रिगार्डिंग जो भी चिंताएं हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़े नहीं, उसका खास ध्यान रखना है। आज के दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके लिए माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा या फिर ब्राह्मण के द्वारा करवाइए, दिन शुभ बनेगा आपके लिए। कन्या राशि जिनके अक्षर है प, ठ और ण, उनके स्वामी महाराज बुध महाराज। कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन व्यापारिक क्षेत्र में आपको अच्छी गतिविधियाँ मिलने वाली हैं, यानी कि आपको अच्छे लाभ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी मिलेगी। आज के दिन आपके ऑफिस में, कार्य में, बिजनेस में, व्यापार क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आपको लाभ की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अच्छे मन से कार्य कर रहे हैं, अच्छी नीति से कार्य कर रहे थे, इसके बाद आपको अच्छी सफलता अवश्य मिलेगी। और सही कि समय किनको साथ देता है, जो अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे स्वभाव हो, उन सभी को परमात्मा जो है सहाय रूप रहते हैं। आज के दिन आपके और आपके परिवार में सभी का मन प्रसन्न रहने वाला है,
संतान से रिगार्डिंग जो भी चिंता है वह दूर होगी, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, यानी कि दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आज के दिन माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर एक चीज़ करना है कि माँ शेरावाली के चरणों में जाकर 21 दिए गाय के घी के 21 दिए आप उनको अर्पण कीजिए, या फिर 22 दिए आज के दिन अर्पण कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले और दिन आपके लिए शुभ बने। तुला राशि और वृश्चिक राशि के बारे में अब जानेंगे। तुला राशि के जो अक्षर है रह और था, उनके स्वामी महाराज शुक्र महाराज हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय बिजनेस ऑफिस क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियां, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। इसके लिए आपको मन प्रसन्न रखना है, अच्छे मन से, अच्छे कार्य से, अच्छी ऊर्जा से कार्य को प्रारंभ करना है, जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले और मन आपका प्रसन्न रहे। आपके विरोधी आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो, उसका खास ध्यान रखना है। इसलिए आपके कार्य में आलस को टाल देना है, शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करनी पड़े। शायद आपका हेल्थ अगर आपको साथ ना दे रहा हो तो आपको क्या करना है कि अच्छे मन से कार्य की धैर्य से शुरुआत कीजिए, जिससे अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले और आपके जो भी विरोधी है वो आपसे हार जाए। आपके परिवार को लेकर आज के दिन चिंताएं दूर रहेगी, शायद वो आपको सपोर्ट कर रहे करेंगे, सहाय रूप बनेंगे, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले। संतान से रिगार्डिंग चिंताएं आज दूर होगी, मानसिक तौर पर आप प्रसन्न रहेंगे और आपके पर्सनल लाइफ भी बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। आपका हेल्थ अगर आपको सुधारना है, अच्छा स्वास्थ्य बनाना है, इसके लिए आपको अच्छे मन, अच्छे वातावरण में आपको दिन बसा करना जरूरी है, जिससे दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। आज के दिन माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर घर पे या फिर मंदिर पर जाइए और सतनाम स्तोत्र जो है दुर्गा सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, या फिर ब्राह्मण के द्वारा पाठ करवाए, दिन आपके लिए शुभ बनेगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वृश्चिक राशि जिनके अक्षर है न और या, उनके स्वामी महाराज मंगल महाराज। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे सुधार लाएंगे और उसी अच्छे सुधार के कारण अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। वो परिणाम आपको आने वाले भविष्य में अच्छे लाभ देने वाले हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आज के दिन आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आज समस्या बढ़े नहीं, मानसिक चिंता में वो आपको परेशान न लाए, उसके लिए आपको क्या करना है कि बड़ों का सहारा लेना है, उनसे अच्छे सलाह मशवरा कीजिए, जिससे आपको अच्छे रास्ते मिले और अच्छे सुझाव से आपकी सभी बलाएं और परेशानियां दूर हो जाए, मन आपके लिए प्रसन्न रहे और आपके सभी कार्य अच्छे बने। परिवार में आज सभी के मन अच्छे रहेंगे, आज धार्मिक कार्य देव कार्य घर परिवार में हो सकते हैं, जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति मिलेगी। साथ ही साथ आज आपके बच्चों को लेकर जो भी चिंता है वो आज दूर होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो आज के दिन आपको माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए सुंदर उपाय करने हैं। उपाय ये है कि एक जोड़ जो वस्त्र होते हैं माँ शेरावाली को अर्पण कीजिए और कुमकुम की जो डिब्बी है या हल्दी वाला कुमकुम है वो भी माँ शेरावाली को साथ में अर्पण कीजिए, दिन आपके लिए शुभ बनेगा और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अब हम जानेंगे धनु राशि और मकर राशि के बारे में। धनु राशि के जो अक्षर है ब द और क, उनके स्वामी महाराज गुरु बृहस्पति है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में बढ़ोतरी देने वाला रहेगा। आज सामाजिक कार्य क्षेत्र से आप जुड़े रहेंगे या फिर जुड़ने वाले हैं, सेवा के क्षेत्र से आप जुड़ेंगे तो उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ जॉब बिजनेस ऑफिस फैक्ट्री कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, छोटे बड़े सभी कार्यों में आपकी प्रशंसाएँ होगी। आपके कार्य को लेकर, आपके स्वभाव को लेकर और दूसरे के प्रति आप जो भी ज़्यादा से ज़्यादा दया भाव रखने वाले आप रहेंगे, उसी के कारण आपके मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन हवाई यात्रा हो सकती है या फिर ये कह सकते हैं उस हवाई यात्रा को सपने को आज पूर्ण भी कर सकते हैं, दिन आपके लिए शुभ बनने वाला है। साथ ही साथ संतान को लेकर, परिवारों को लेकर चिंताएं दूर हो सकती हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं ना बढ़े, आपका स्वास्थ्य कमजोर ना हो, उसका खास ध्यान रखना है। ज़्यादा मेहनत करने से, ज़्यादा उत्साह में आने से शरीर पर थोड़ी सी बेचैनियाँ या फिर चिंताएँ बढ़ सकती है, क्योंकि समय पर खाना नहीं हो, समय पर कार्य न हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मानसिक चिंताएँ बढ़ेगी, इसके लिए आपको ध्यान देना है। आज के दिन माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए हो सके तो मंदिर में जाइए या फिर घर बैठे
घर पे ब्राह्मण बुलवाइए और देवी अथर्वशिष्ठ का पाठ करवाइए, जिससे माँ शेरावाली प्रसन्न रहेगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। मकर राशि जिनके अक्षर है ख ज और ग, उनके स्वामी महाराज है शनिदेव। मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं। ऑफिस बिजनेस व्यवसाय क्षेत्र में छोटे बड़े कार्यों में शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए, राजकीय पौलिक क्षेत्र से, मेडिकल क्षेत्र से, इंजीनियरिंग फील्ड से, सभी क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप फौजी हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, या भूमि दल में हो, जल दल में हो, या वायु दल में हो, तो सभी क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ आज के दिन आपको मिल सकते हैं। सभी साथ ही साथ आज के दिन आप विद्युत उपकरण की खरीदी आज करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो भी वस्तुएं हैं उन सभी चीज़ों की आप खरीदी करेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की प्राप्ति मिले और आपके कार्य की प्रतिष्ठा सभी दिशाओं में बढ़े। परिवार को लेकर चिंताएं दूर होगी, संतान को लेकर रिगार्डिंग जो भी चिंताएं वो आज दूर हो सकती है, यानी कि दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर आपको एक चीज करना है कि रात्रि सूक्त का पाठ अगर आप कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण के द्वारा घर पे करवाइए, तो दिन आपके लिए शुभ बनेगा और माँ शेरावाली की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब हम जानेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में। कुंभ राशि के जो अक्षर है ग श श और स, उनके स्वामी महाराज शनिदेव है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपको आधिकारिक व्यक्तियों से आप प्रभावित होंगे और उनसे अच्छे लाभ की प्राप्ति मिलेगी। आप बहुत समय से आपके कार्य क्षेत्र में ऑफिस जॉब बिजनेस फैक्ट्री छोटे बड़े सभी कार्य व्यवसाय क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं और उसी क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या कि निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे भूल कर रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, और उन सभी को आप मन से ही गुरु बना रहे हैं। तो उन सभी का आज के दिन उनके दर्शन या फिर उनसे स्वयं ही लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे शुभ योग बनने वाले हैं, यानी दिन आपके लिए शुभ हो सकते हैं। आज के दिन ग्रह आप पर प्रसन्न रहेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे समय और कुदरत आपको अच्छी सहाय रूप बनेंगे और जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पर आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति मिल सकती है। आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ और गतिविधियाँ मिलने वाली हैं। परिवार में आज सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्य देव कार्य आज के दिन हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक कार्य में आप जुड़ेंगे स्वयं और पुण्य की प्राप्ति करेंगे। आज के दिन संतान के रिगार्डिंग थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा कि आपकी संतान की जो विचारधारा है, उनके जो फ्रेंड ग्रुप है, ग्रुप सर्कल है, वो बुरे ना हो और उनकी विचारधारा बुरी ना बने, उसका खास ध्यान रखना है। अच्छे विचार आए, बुरी अच्छे संगत बने और बुरी संगत से दूर रहे, उससे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयत्न करने जरूरी है। तो दिन आपके लिए शुभ बने उसके लिए माँ शेरावाली को आज प्रसन्न करना है। तो क्या करेंगे, तो आज के दिन माँ शेरावाली के चरणों में जाकर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे की इस मंत्र की माला कीजिए। दिन आपके लिए शुभ रहेगा और माँ शेरावाली प्रसन्न रहेगी। मीन राशि जिनके अक्षर है द च ज और था, उनके स्वामी महाराज गुरु बृहस्पति है। मीन राशि के छात्रों के लिए आज के दिन स्वास्थ्य पर स्वखर्च या धन खर्च हो सकता है, यानी कि आपके हेल्थ में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि अच्छे मन से सोचना है और स्वास्थ्य अच्छा बने उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रयत्न करने हैं। आज के दिन कानूनी कार्यवाही को लेकर जो भी चिंता है उस कार्य में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, छोटे बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके लिए आपको मन शांत करना है और अच्छे विचार से और अच्छे सलाहकार से आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपको अच्छी सफलताएं मिले। आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में बुद्धि जातरे से अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। आप अच्छे नियमों का रचना करेंगे और नियम अच्छे नियम बनाएंगे और अच्छी योजनाओं को बनाकर आपके कार्य में आज सफलता को आप प्राप्त करने वाले हैं और इसी के कारण आपके जीवन में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार को लेकर सभी चिंताएं दूर रहेगी।
संतान को लेकर चिंताएं दूर रहेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो लव लाइफ के लिए आज के दिन आपके बहुत ही शुभ रहेगा और नए जीवन साथी आपको मिल सकते हैं, यानी कि दिन आपके लिए शुभ और मध्यम हो सकता है। माँ शेरावाली को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके घर पे या फिर आपके कार्यक्षेत्र में ब्राह्मण के द्वारा करवाइए, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले और माँ शेरावाली प्रसन्न रहेगी।